नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जाएंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़े थे। इस वाले वीडियो में कुछ नए नियुक्तियां हुई हैं 2024 में, तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहेगा महत्वपूर्ण नियुक्तियों के ऊपर में। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया है? CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का CEO और अध्यक्ष बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, ये जो मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्ट्री, वो अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत कार्य करती है और स्थापना जो है इसका मार्च 1905 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय की अगर बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC का अध्यक्ष जो है वो जय शाह को नियुक्त किया गया है। ये सबसे कम उम्र के हैं जिसे पहली बार ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोग प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ से अध्ययन करते हैं। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो दुबई में आपको देखने को मिलेगा। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। CEO की बात करें, जॉफ एलरडाइस जो है इसके CEO है। चलिए मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय गृह सचिव किसे बनाया गया है? गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत का जो गेंदबाज कोच है वो किसे बनाया गया है? मॉर्नी मॉर्गल को भारत का नया गेंदबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महानिदेशक प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय का महानिदेशक किसे बनाया गया है? महानिदेशक का मतलब होता है DG, डायरेक्टर जनरल। तो राहुल नवीन को जो है प्रवर्तन निदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में। जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को जूनियर टीम के हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। ठीक है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, हॉकी इंडिया की स्थापना वर्तमान 2008 से लेकर वर्तमान समय तक है। भारतीय हॉकी के प्रमुख कोच कौन है? क्रेग फुल्टन जो है वो भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख कोच है। कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह जो है इस टीम के कैप्टन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है पावनेनी हरीश को। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर पास में जो है वो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसके हेडक्वार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम, UK, ठीक है, ब्राजील, फ्रांस और ईरान है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस्पात मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप पुंडरीक को इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में इनका प्रोफाइल फोटो है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ESIC का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार सिंह को ESIC का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की फैक्ट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसका गठन जो था वो 24 फरवरी 1952 को हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। ये जो ESIC जो है इसके मंत्री कौन है? मंत्री जो है मनसुख मांडिया, यानी कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और श्रम रोजगार मंत्रालय जो है वो उसके मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक बार फिर से मैं बोल दूँ, ESIC जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, और श्रम और रोजगार जो मंत्रालय है उसके मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं। चलिए अब मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को भारत का नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। भारत के नए कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? TV सोमनाथ को भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। साउथ अफ्रीका 20 लीग का राजदूत किसे बनाया गया? तो दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका 20 लीग का राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर बनाया गया। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट। असम राइफल का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, यानी कि महानिदेशक? तो क्वास लखेड़ा को असम राइफल का महानिदेशक बनाया गया। स्क्रीन पर आप लोग इनका प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं।
आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अध्ययन करते हैं। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो मेघालय शिलोंग में है। जिम्मेदार मंत्री यानी ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो होम मिनिस्ट्री होगा। और होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी है, ये भी आपको याद रखना है। आदर्श वाक्य क्या है असम राइफल का, पहाड़ी लोगों के मित्र, ये असम राइफल का आदर्श वाक्य है। मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक किसे बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल तो दलजीत सिंह चौधरी को BSF का महानिदेशक बनाया गया है। ये रहा दलजीत सिंह चौधरी का प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। और अगर BSF के हेडक्वार्टर के बारे में पूछे तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रीति सूदन को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं उनका प्रोफाइल फोटो। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अध्ययन करते हैं। ये जो आप अध्यक्ष देख रहे हैं ये इसके पहले अध्यक्ष थे, यानी कि 2023 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे प्रीति सूदन जो है वो किसके स्थान पर आई है, तो मनोज सोनी के स्थान पर आई है। तो इसके पहले मनोज सोनी थे, अब जो है UPSC के अध्यक्ष प्रीति सूदन बन गई है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें, UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। संस्थापक कौन थे, तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इसे जो है स्थापित किया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिडबी का CMD किसे बनाया गया है, CMD मतलब होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मनोज मित्तल को सिडबी का CMD बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका प्रोफाइल फोटो। अगर इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव रैना को ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये रहा रैना जी का प्रोफाइल फोटो। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए देख लेते हैं। पहली महिला DG डायरेक्टर जनरल सेना चिकित्सालय सेवा, साधना सक्सेना को सेना चिकित्सालय सेवा का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोलो मार्कोस को भारतीय टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट। अगला अपॉइंटमेंट जो है आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में इनका प्रोफाइल फोटो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियुक्ति। लोकपाल सचिव किसे बनाया गया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट। अगला अपॉइंटमेंट आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट। भारत के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, TV रविचंद्रन को भारत के उपराष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के प्रमुख किसे बनाया गया है, NS राजा सुब्रमणि को भारतीय थल सेना का प्रमुख बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूव करेंगे, देखेंगे अगला अपॉइंटमेंट। अगला अपॉइंटमेंट आपके स्क्रीन पर है, नाफेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जेठा अहिर को नाफेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए नाफेड का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ
इंडिया जो है वो नाफेड का फुल फॉर्म है। इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए, मुख्यालय नई दिल्ली में है, प्रोफाइल फोटो आप लोग देख सकते हैं। अगला अपॉइंटमेंट आपके स्क्रीन के सामने है, 8वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वृहथरी महताब को 8वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चीफ ऑफ पर्सनल नौसेना किसे बनाया गया है? संजय भल्ला को चीफ ऑफ पर्सनल नौसेना का बनाया गया है। ये रहा संजय भल्ला का प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। नौसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है? कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आइए देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट, भारत के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परमार रवि मनु भाई को बिहार का नया लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रोफाइल फोटो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट। अगला अपॉइंटमेंट आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में अस्थाई प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। भारत की ओर से G20 का मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला बने हुए हैं। आइए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष लुइस इनासिलो लुला दी सिल्वा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति। ठीक है, आइए अगला अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अगला अपॉइंटमेंट है, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है? वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं, यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये रहा नकाटे का जी का प्रोफाइल फोटो। ठीक है, आइए मूव करते हैं और देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट। अगला अपॉइंटमेंट जो है वो आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है यूनिसेफ का, किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा इनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आर के सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रहा आर के सिंह का प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। भारत की ओर से G20 शेरपा किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत को भारत की ओर से G20 का शेरपा बनाया गया है। प्रोफाइल फोटो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। मूव करते हैं और देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट, यूनेस्को में भारत का अस्थाई प्रतिनिधित्व किसे बनाया गया है? विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अस्थाई प्रतिनिधित्व बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इनका प्रोफाइल फोटो। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हुआ है। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें भी नियुक्ति के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी पढ़ लीजिएगा। और ये कुछ नए नए नियुक्तियां हुई हैं हाल फिलहाल में, उसे मैंने आपके सामने वीडियो बनाकर रख दिया है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।